हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर वीकेंड के वार में सलमान ने दी विविन डिसेना को सबसे बड़ी वार्निंग। जी हां, सलमान पूरे गुस्से में थे और सलमान ने विविन को कहीं ना कहीं ये बता दिया कि कलर्स का लाडला हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम विनर बन ही जाओगे। सलमान ने विविन को आज कहीं ना कहीं आईना दिखाया, बता दिया उसको कि शो में कहीं ये ना हो कि तुम्हारा पत्ता साफ हो जाए। क्या किया सलमान ने और कौन सी बड़ी चेतावनी दी, चलिए हम आपको पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर वीकेंड के वार में सलमान पूरी तरीके से गुस्से में थे। सलमान ने विविन से कहा कि विविन, तुम इस घर के टॉप 2 कंटेस्टेंट हो। मैंने ये भविष्यवाणी, बिग बॉस ने ये भविष्यवाणी प्रीमियर पे ही कर दी थी, तुम कलर्स के लाडले हो और तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड है उसको देखकर लगता है कि तुम तो ये मान कर आए हो कि तुम इस शो के विनर बनोगे ही बनोगे। बिग बॉस ने जब तुमसे कहा कि तुमको क्या चाहिए तो तुमने कहा कि तुम्हें बिग बॉस की ट्रॉफी चाहिए, है ना। विविन ने कहा, सर मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी पर है। सलमान ने कहा, वेरी गुड, होनी भी चाहिए, लेकिन क्या तुम उस ट्रॉफी के हिसाब से शो में कुछ कर रहे हो? बिग बॉस ने खुद तुम्हें इस बात का हिंट दिया था जब घर के अंदर से दो लोगों को जेल जाने की बात तुमसे पूछी जा रही थी। बिग बॉस ने ये बता दिया था कि तुम घर के अंदर बहुत कॉन्शियस होके, इमेज कॉन्शियस होकर खेल रहे हो। तुम्हारे घर में टारगेट्स क्लियर हैं, तुमने सिर्फ चाहत पांडे को अपना टारगेट बना रखा है। तुम्हारे दिन की शुरुआत चाहत पांडे से होती है और अंत भी चाहत पांडे से होता है। क्यों? क्या और किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं है? क्यों हर बात पर चाहत को ही टारगेट करते हो? तुम्हारा कंटेंट समझ नहीं आ रहा है विवियन, और तुम जिस तरीके से सिर्फ एक फीमेल कंटेस्टेंट को टारगेट कर रहे हो उससे तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। और मैं तुम्हें ये आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो चाहे कलर्स के लाडले हो या किसी के भी लाडले हो, ये शो जनता का है, जनता तुमको निकाल देगी। ये सुनकर विविन के होश उड़ गए। वेल, आपको क्या है लगता? आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।